जानी ये रामपुरी चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। फिल्मों से प्रसिद्ध हुआ ये रामपुरी चाकू असल में भी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ एक चौराहा ऐसा भी है जो चाकू चौराहा के नाम से फेमस है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा है। वैसे रामपुरी चाकू का इतिहास लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ के कारीगर जो इस चाकू को बनाकर अपना घर चलाते थे, अब उनका काम भी बिल्कुल मंदा पड़ चुका है। ये हैं मोहम्मद यामीन, जो कि रामपुरी चाकू बनाते हैं। सुनिए अब इनका कैसे गुजर बसर चलता है। लगभग 200 साल का इतिहास है, ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। मैं आखिर में आन के मैं रह गया हूँ बनाने वाला। मैं भी काम नहीं कर रहा था, मैंने भी बंद कर दिया था, इसीलिए इसकी आगे कोई चांस ही नहीं थे आगे बढ़ने के। इतनी मेहनत से हमारे माँ बापों ने सिखाया था, हमारे बाप भी गरीबी में और उनके बाप भी गरीबी में चले गए, मैं भी आन के गरीबी में आन के टक गया, मगर मैंने चाकू के कारोबार से कोई तरक्की नहीं करी। अब ये इतने टाइम में आन के हमारे एक DM आए थे अंजनी कुमार साहब, जिनकी वजह से उन्होंने ये देखा कि रामपुर की कारीगरी जो है वो बाज़ार से नहीं जानी जाती है, रामपुर की कारीगरी बाज़ार से नहीं जानी जाती है, रामपुर की कारीगरी कारीगर से जानी जाती है कि रामपुर का कारीगर कौन है जो उसको बनाता है। तो साहब ने हमें ढूंढवाया होगा या किसी से भी जरिए से, तो मैं उनका हत्थे लगा तो वो मेरे घर आए, आन के देखा, मुझसे पूछा था बन क्यों करा था। मैंने कहा इसमें इतनी मजदूरी नहीं है, इतना अच्छा कारोबार है, ये बन मजदूरी नहीं है, इसमें मैं इसको क्या करूँगा, जैसे इतने पैसे में तो कोई और भी काम कर लूँगा मैं। लोग कहेंगे अरे रामपुरी चाकू बनाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो आपस में बात करने लगे, कह रहे इनका जो मेहनत का पैसा है ना वो व्यापारी खा रहा है, इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा करो तुम ये बनाओ और बना के बेचो, अपना बनाओ अपना बेचो। आपने साहब ने मुझे सपोर्ट भी करी और 50,000 का लोन भी मुझे दिलाया था आगे बढ़ाने के लिए। और रामपुर का चाकू जब से इन्होंने 3 साल हो गए, अभी रामपुर के चाकू चौराहे पे जो चाकू बड़ा वाला रखा गया ना साहब ने रखवाया, तो इससे तो पूरी दुनिया हिल गई है। अरे रामपुर का ये बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रामपुर में चाकू ये रखा गया है। तो आज विदेशों से मेरे पास फोन आते हैं कि ये आएगा यहाँ पे कैसे मंगवाने का, मेरे साथ एक्सपोर्टर ही हैं जो इसको भिजवा सकते हैं, हमारी तो ताकत है नहीं जो बाहर विदेशों में भेजें। विदेशों से आपके पास फोन आता है, कहाँ से? मेरे पास फोन आया कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और यहाँ तक तो सऊदी का बंदा भी एक ऐसा है कि जो बेचारी है कि ये यहाँ पे आ जाए और मैं इसका काम चालू कराऊँ बेचने के लिए, सप्लाई करूँ। तो आप सऊदी से आपको फोन आया कि आप वहाँ आ जाइए, आपका उद्योग वहाँ लगवा देंगे, रामपुरी चाकू सऊदी में बनने लगेगा, लेकिन आप नहीं गए वहाँ? मैं नहीं, कि मैं अपना इंडिया अपना भारत सबसे बढ़िया, मैं अपनी देश की कला दूसरे देश में क्यों लेके जाऊँ? मैंने यहाँ पे मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे करा, मैं यहाँ का हुनर यहाँ की मेहनत का फल जो है सीखा हुआ, मैं विदेश में जाकर उनको सिखाऊँ उनको दिखाऊँ, तो हमारे देश का नाम ही ख़राब है। यहाँ का सीखा हुआ आदमी यहाँ काम कर रही है ना, ऐसा नहीं। मैं इंडिया अपना भारत जिंदाबाद।